तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स का नियम क्या है और ये कैसे काम करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल्स में। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम का नियम, इलेक्ट्रिकल में तीन क्वांटिटी होती है। नंबर एक वोल्टेज, वोल्टेज जिसे हम वी से डोनेट करते हैं। नंबर टू आता है करंट, करंट जिसको हम आई से डू नोट करते हैं। और नंबर तीन होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम ये होता है प्रतिरोधक। तो ओम का नियम होता है वी बराबर आई इंटू आर, जो हमको जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था ये नियम। इससे हमें इजी कर दिया हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कि हम इससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बताएंगे इसको आज इसका यूज, और आप इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या आंसर देना है, अब आज हम आपको बताने वाले हैं इंटरव्यू में क्या आंसर देना है ये भी, और आज इसको आपको कैसे यूज करना है। सपोज करो हमारे पास कोई लोड है, ये हो गया हमारा लोड, ये हमारा लोड है, कोई भी लोड हो सकता है, मोटर हो सकती है, एलईडी हो सकती है, घर में फ्रिज वगैरह जो भी कुछ है, ये हमारा हो गया एक लोड, ये आ रहा है। और ये हमारा किसी बैटरी बैटरी या किसी जनरेटर या कोई ट्रांसफॉर्मर, ये कुछ भी मान सकते हो आप, ये हो गया एम्पियर। तो हम इसका समझ लेते हैं थोड़ा, इसका आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशन मानने की बात, जैसे कि दो और दो बराबर होते हैं चार, और दो इंटू होते हैं छह, तो इनका आपस में रिलेशन है। तो इसी तरीके से हम जानेंगे कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है ओम के नियम के अनुसार। तो हम इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं ओम के नियम को लिखने का तरीका। दोस्तों आप भी इस तरीके से लिख लीजिए, बहुत इजी रहेगा, एक बार अगर आप सीख गए ना पूरी जिंदगी में, वादा करता हूं पूरी जिंदगी में नहीं भूलोगे इसको। ये थोड़ा छोटा रह गया, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं इसको ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। यहां हम लिख लेंगे वी वोल्टेज, यहां लिख लेंगे हम आई एम्पियर, और हम यहां लिख लेंगे आर रेजिस्टेंस। तो ये कहता है ओम का नियम, इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू अगर आपको पता है तो तीसरे की मैं आपको निकाल के दे दूंगा। जैसे हमको एम्पियर पता है और हमको वोल्टेज पता है, तो हम रेजिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमको रेजिस्टेंस पता है और एम्पियर पता है तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। इन दो में से किसी एक दो दो में से सॉरी किसी तीन में से दो का पता होना चाहिए, तीसरा हम इससे निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक एलईडी है, ये हमारी हो गई एलईडी, ये हो गई हमारी 2 वोल्ट की और 20 मिली मिली एम्पियर की। आपने देखा होगा छोटी छोटी एलईडी होती है, उस पर लिखा होता है, ये लिखा रहता है 2 वोल्ट 20 एम्पियर, और ये हमारी हम इसे कनेक्ट करते हैं अपनी बैटरी से, ये हो गई हमारी बैटरी, और बैटरी हो गई हमारी 9 वोल्ट की। तो हमारे पास बैटरी 2 वोल्ट की तो नहीं है, हमारे पास 9 वोल्ट की है। अगर इसको हम डायरेक्ट जलाएंगे, इसको डायरेक्ट मैं जलाने की कोशिश करूंगा तो हमारी एलईडी फूक जाएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो हम ये कैसा पता करेंगे कि हम रेजिस्टेंस कितने का लगाए इसमें, तो ये हम ओम के नियम की हेल्प से पता करेंगे कि हम इसमें कितने का रेजिस्टेंस लगाए। तो हम कैसा पता करेंगे, आप इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो हमारे पास वोल्टेज है और एम्पियर, एम्पियर भी है हमारे पास, लेकिन हमको इसका क्या पता करना है, रेजिस्टेंस। तो सिंपल इसका रेजिस्टेंस पता करना है। देखो अगर रेजिस्टेंस पता करना है, इसको तीन तीन तरीके से यूज करते हैं। रेजिस्टेंस हमको पता करना है, रेजिस्टेंस बराबर वी हम ऊपर लिख लेते हैं, आई हम लिख लेते हैं नीचे। अगर इसी तरीके से हमको वोल्टेज निकालना है, हमको एम्पियर और रेजिस्टेंस पता है, तो इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे, वोल्टेज बराबर आई इंटू आर, इस तरीके से हम वोल्टेज निकालते हैं। अगर हमको इसका एम्पियर निकालना है तो फिर आई को हम ऐसे लिख लेंगे, ये यहां सामने आ गया, ये ऊपर नीचे है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे,
तो इसके लिए हमें इजी हो गया निकालना। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है वो हमारी 9 वाट की एलईडी है, लेकिन हमारी सॉरी सॉरी 9 वाट की बैटरी है और 2 वाट की एलईडी है और 20 मिली एम्पियर की है। तो हम इसमें कैसे इसको डायरेक्ट चलाएंगे तो जल जाएगा, तो हम इसको निकालते हैं कि इसमें कितने का रेजिस्टेंस लगाए। तो कैसे निकालेंगे, हाँ लिख लेते हैं, हमारी 9 वोल्ट की एलईडी है और हमारा सॉरी 9 वोल्ट की बैटरी है और 2 वोल्ट की एलईडी है, 2 वोल्ट, तो हमें कितना 7, तो 7 वोल्ट एक्स्ट्रा आया। तो हमें 7 वोल्ट कम करना है, इतने का रेजिस्टेंस लगाना है कि जो हमारा 7 वोल्ट कम हो जाए। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा 20 मिली एम्पियर, हम ये वाला रेजिस्टेंस ये वाला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आर बराबर हमारा 7 वोल्ट है, हम इसको 7 लिख लेते हैं, 7 वोल्ट का रेजिस्टेंस है ना, एम्पियर, और एम्पियर को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, एम्पियर को लिखेंगे हम 2, ये मिली एम्पियर है ना, लेकिन ये एम्पियर है, तो हम 2, तो एम्पियर से मिली एम्पियर कैसे निकालेंगे इसको भी हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। हमारा यह है 20 मिली एम्पियर, और 20 एक एम्पियर में कितना होता है, 1000 मिली एम्पियर, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 जीरो, तो यहाँ जीरो लगा के और ये एक है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया 0.02, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, सॉरी ये ऐसे लिखा जाएगा 0.02, ये जीरो हो गया, सॉरी ये हो गया 2। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम इससे भाग देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर 350 ओम। तो इसमें अगर हम 350 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो हमारी एलईडी एलईडी आसानी से जल जाएगी। तो ये तो हो गया इसका यूज करना, इसको यूज कैसे करना है। अब आते हैं हम जो हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि इंटरव्यू में हम इतना बड़ा तो आंसर दे नहीं सकते, ये सब तो करके दिखा नहीं सकते, तो हम आंसर बताते हैं आपको इंटरव्यू में क्या देना है। सिंपल, इसका मैंने एक पहले से लिख के रखा है, व्हाट इज ओम्स लॉ। तुमसे अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स का नियम क्या है, अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं ओम्स लॉ फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि इसको हिंदी में बताता हूं, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को कैलकुलेशन करने के लिए हम ओम के नियम का यूज करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की पोस्ट पे या किसी सुपरवाइजर की पोस्ट पे इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे एक और क्वेश्चन किया जा सकता है, आपने ये आंसर दे दिया ये तो ठीक है, लेकिन आपसे बोल सकता है मीनिंग ऑफ वी बराबर आई इंटू आर। तो इसको लिखेंगे हम वी, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा सॉरी वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर हमारा रेजिस्टेंस स्थिर है, यानी रेजिस्टेंस बराबर है, स्थिर है, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा है, तो हमारा वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर भी बढ़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका अगर क्वेश्चन रह गया हो तो हमें कमेंट करें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।